उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, जहां पर पुलिस ने मानवता को शर्मसार किया है। महिला की जमकर पिटाई की गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच एक नया मामला प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज थाने से सामने आया। दरअसल थाना क्षेत्र में स्थित भागीपुर गांव के रहने वाली फातिमा बानो के घर पर रानीगंज थाने की कांस्टेबल महिला को बुरी तरह से पीटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि परिवार वाले एफआईआर करवाने के लिए 18 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ स्थित जिला पुलिस हेडक्वार्टर गए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो ये बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, इस घटना को लेकर जो वीडियो सामने आया है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पहले तो महिला को डंडे से बुरी तरह से मारने की आवाज आ रही है। उप निरीक्षक महिला को चलने के लिए कह रहे हैं। महिला कह रही है कि नकाब पहने दो, जमीन पर पड़ा है, और इस पर महिला के पिटाई की आवाजें और भी बढ़ जाती है। तो उप निरीक्षक ने महिला आरक्षियों के साथ पिटाई की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल तलवार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे किस जुर्म में और किस तरह से इस तरह की यह पिटाई की जा रही है जो ये वीडियो सामने आया है, और पुलिस पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ में एक जमीनी विवाद था दो अगल बगल रहने वालों के बीच में, जिसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो कि उनमें बलशाली बल था उनको प्रयोग करते हुए जो गरीब तबके के लोग थे उनके घर में घुसकर जबरन पिटाई की, जबकि पुलिस का कोई विशेष अधिकार नहीं बनता है वहां जाके कुछ कहने का, क्योंकि ये सारा मामला वहां की तहसील में अभी लंबित था, जिसके ऊपर एसडीएम व तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट देनी थी। जानना चाहेंगे विशाल, जिस तरह से जमीन विवाद का ये मामला आप बता रहे हैं और पुलिस ने शर्मनाक कार्रवाई की है, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच में एक नया मामला आना, क्या लगता है क्या कुछ इस पर अब कार्रवाई की जा सकती है? इस पर जिस तरह से आज पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करी, पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने बिना अपने कोतवाल को बताए, थाना अध्यक्ष को बताए, दो महिला सिपाही एक सिपाही के साथ जाकर घटना स्थल पे या जहां विवादित स्थल था जिस तरह की कार्रवाई की गई है वो एकदम शर्मनाक है। उन्होंने भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इसकी कोई सूचना नहीं दी और वो तीन लोग उस महिला को घसीटते हुए दरवाजे तक लाए, एक भय का माहौल बना दिया कि ये गरीब तबके के लोग अपना घर छोड़ के भाग जाएं। ठीक है, धन्यवाद विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस बीच आपको ये भी सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस विभाग का क्या कुछ कहना रहा। आज दोपहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये आरोप लगाए गए कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। इसकी जांच शाम 6 बजे तक सीओ रानीगंज को करने के लिए दी गई। सीओ रानीगंज के द्वारा जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये थाना आता है, ये जांच कंप्लीट करके उसकी रिपोर्ट मुझे सौंप दी गई है। रिपोर्ट में तथ्य सामने आए हैं कि भागीपुर गाँव जो थाना रानीगंज में पड़ता है, इसके अंतर्गत प्रथम पक्ष शकीलुद्दीन और द्वितीय पक्ष जमील इत्यादि इनके बीच में जमीनी विवाद है, जिसमें कुछ साल पहले राजस्व टीम के द्वारा प्रथम पक्ष के फेवर में एक रिपोर्ट दी जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।